हसदी वे हसदी जुगनी हसदी वे हसदी के दिल विच बसदी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज है सबकी छुट्टी घर में और हमें बनाना है आज झटपट नाश्ता। तो चलिए दिखाते हैं आप सबको भी रेसिपी। आज हम बना रहे हैं चावल के चीले, तो दिखाते हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप सब डाल सकते हो और हम लोग क्या क्या डाल रहे हैं। तो जल्दी से कर लेते हैं कटिंग चॉपिंग और फिर दिखाते हैं आप सबको। अभी हो गई है हमारी कटिंग चॉपिंग कंप्लीट। तो हमने बारीक बारीक काटे हैं अपने गाजर, ये ग्रीन बीन्स, शिमला मिर्च और हरी मिर्च, साथ में लिया है हमने इसमें कड़ी पत्ता, हरा धनिया और ये है पनीर। तो यहाँ पर ये है हमारा चावल का आटा, सूजी और दही और ये हमारे सारे मसाले हैं। तो अभी ये मिक्स करेंगे जैसे जैसे, वैसे आप सबको बताते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ हमने इसमें मिक्स की है और कौन कौन से मसाले हैं ये। बाउल में अब मैं डाल रही हूँ सबसे पहले चावल का आटा। आप अपनी क्वांटिटी से लेना भाई, हम सबको ज्यादा है तो हमें तो डालेंगे हम सूजी। हमने दोनों आटे को, सूजी को और अपने चावल के आटे को मिक्स कर लिया है अच्छे से। और अब इसमें हम डालेंगे दही और दही से हमें इसे अच्छे से फेंटना है। ये अभी दही और इससे अच्छे से हमें फेंटना है आटे को। ये हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है और मिक्स कर लिया है सूजी और चावल के आटे को। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको दही में ही पेस्ट पूरा अपना वो कर रहा है मिक्स, नहीं तो पड़ रही है तो आप गर्म पानी डाल के भी इसे मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसे हमें थिक नहीं रखना है ज़्यादा, इसे ना ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा थिक रखना है, मीडियम में रखना है बस हमें। तो देखिए ये भी मेरा बैटर रेडी है और अब इसमें मैं सारे अपने जो मैंने सब्जियां काट के रखी हैं मिक्स करूँगी सारी। मैंने सारी इसमें पहले डाल दी शिमला मिर्च और बीन्स, फिर गाजर और अब इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ पनीर। पनीर को भी बिल्कुल बारीक चॉप करना है और उसके बाद ये है कड़ी पत्ता, इसे बारीक बारीक काट लिया है। अगर आप चाहते हैं साबुत डालना तो साबुत भी डाल सकते हैं। और ये है हरा धनिया, इसे भी हमने चॉप करके रखा हुआ था हमारी। हरी मिर्च, अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे बैटर में। अब आती है हमारे मसालों की बारी। ये है काली मिर्च और हरा धनिया पिसा हुआ, ये है लाल मिर्च, हमने इसमें हरी मिर्च डाल ली है और काली मिर्च भी आपने देखा तो हम लाल मिर्च की क्वांटिटी को कम ही रखेंगे और आप नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए। अब मसालों को कर रही हूँ मैं मिक्स, अच्छे से मिक्स करना है, खड़े खड़े ना रहें, जब तक फेंटिए जब तक मसाले अच्छे से इसमें मिक्स ना हो जाएं पूरे बैटर में। अभी हमने जब तक चाय बनेगी तब तक हमारा
इस साइड चीला बनकर रेडी हो जाएगा। और चटनी की कर रही है तैयारी हमारी मम्मी जी। बैटर रेडी है और पैन ले लिया है। पैन मैंने अभी स्लो गैस पे रख दिया था इसे, और अब मैं इसमें डालूंगी जरा सा घी। पहले घी को अच्छे से अपने पैन पर फैलाना है ताकि सारी जगह घी अपना फैल जाए। उसके बाद ही आपको पेस्ट डालना है, और घी थोड़ा सा हल्का सा नुमायस हो जाए पैन पे, उसके बाद ही डालना। हम मैंने बैटर को डाल लिया है अपने पैन पर, और अब इसको फैलाएंगे। हम इसको अच्छे से फैलाएंगे। तीस या 40 सेकंड के लिए हम ढक देंगे। और गैस का फ्लेम थोड़ा तेज कर देंगे। अब हम गैस को स्लो करेंगे। और ये देखिए भाप में अच्छे से हो गया है सॉस का। और अब हम फिर से साइड साइड में डालेंगे घी जरा जरा। और इसे पलटे की सहायता से साइड साइड से पलटेंगे। ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन अपना कलर दे रहा है। और अब इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट टाइम, जब पहले बस एक बार ढकना है इसे, और उसके बाद इसे अच्छे से सेकेंगे। साथ साथ हमारी चाय भी रेडी होने वाली है, बस झटपट होने वाला है नाश्ता रेडी। तो ये है हमारा चावल के आटे का चीला, आप इसे उत्तपम भी कह सकते हैं, और झटपट से 2-3 मिनट में रेडी। मम्मी जी हाँ बेटा आ जाओ, नाश्ता रेडी है गरम गरम। राम राम जी सबको। और पूजा ने बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाया, एकदम हेल्थी। और अब मैं खाऊंगी, चाय भी बन रही है, चटनी भी रेडी है। कुछ भी आप अचार चटनी किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हो, और हम इसको बनाते रहते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी बनाना और खाना, रेसिपी पूजा ने दिखा दी है बनाना। भाई पहला हो गया था रेडी, और मम्मी को हमने दे दिया है ब्रेकफास्ट डालकर, तो मम्मी को लगा टेस्टी। और सब सैटरडे संडे ब्रेकफास्ट में मैगी नूडल्स वगैरह कुछ ना कुछ बना के खाते हैं, तो हम लोग तो आज हेल्दी फूड ट्राई कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो प्लीज़ आप सब भी इसे ट्राई कीजिए, झटपट बनने वाला नाश्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी घर में आपके पास इन्ग्रीडियंट्स अवेलेबल हैं, जो भी सब्जी है आप वो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पनीर वगैरह अच्छे से डालें, आप जो चाहते हैं वो डालो। और बैटर रेडी तुरंत और झटपट से ही बनी जाते हैं। आप सबने देखा ही है कितना प्यार और प्यारा सॉफ्ट सा चीला बन रहा है। तो फिर से इसने अपना रंग छोड़ दिया है, और ये रेडी, ये हमारी चाय रेडी है। मम्मी नाश्ता कर रही है, तो मम्मी को दे देते हैं चाय डालकर साथ साथ। अब ले जाते हैं हम मम्मी के लिए एक और गरम गरम चाय। प्लीज आप सब ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, और खा के जरूर बताना बनाकर।
आप आना चाहते हैं, खाना चाहते हैं तो प्लीज आ सकते हैं, और कमेंट्स में बताना आपको कोई रेसिपी कैसी लगी। सो हेल्दी खाएं और हेल्दी रहें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।